हे गाइस, कैसे हो तुम सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। एंड आज जो है हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पे? सिटी सेंटर, आई लव सिटी सेंटर। तो वहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं एंड शाम के अभी जो है 6 बज रहे हैं। एंड अभी जो है इधर अंधेरा मतलब हो चुका है, ज़्यादा नहीं हुआ है। एंड अभी हम लोग जाएंगे सिटी सेंटर एंड वहाँ पे हमें जो है काफ़ी सारा जो है गेम हमें देखने को मिलेगा एंड खेलने को मिलेगा। एंड हमें पीछे पब्लिक देख रहा है तो यार उसे इग्नोर करना है फिलहाल अभी। एंड आपको बता दूँ कि यार अगली वीडियो में आप लोगों ने जो है प्यार और सपोर्ट यार जिस तरह से दिखाया, इस वीडियो में भी प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। एंड अगर आप ये वीडियो एपी पर देख रहे हो तो यार फॉलो कर लेना। एंड अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। तो अभी हम चलते हैं सिटी सेंटर। तो अभी हम यहाँ पे जो असम स्टेट जू के पास में, एंड जू से जो है इसका डिस्टेंस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अभी हम इधर से पैदल ही जाएंगे एंड आपको रास्ता का कुछ नज़ारा एंड व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ गाइस, आपको बता दूं कि आज जो है हम लोग अकेला नहीं जाने वाले, हमारे साथ अरुण है। तो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में इसको देखा ही होगा एंड एक और बंदा है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई? राजा यादव। तो हम लोग जो है तीनों जान जो है एंजॉयमेंट करने वाले, पूरा फुल्ली एंजॉयमेंट करने वाले सिटी सेंटर में। अभी वहाँ पर क्या है क्या नहीं यार मुझे भी नहीं पता, किंतु हम लोग को जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहाँ पर क्या चीज है। एंड हाँ, आपको एक और बात बता दूँ, आप जितने भी ये पार्किंग में गाड़ी देख रहे हैं इसमें से ओला हो सकता है, उबेर हो सकता है। एंड आप अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल करके इसे बुक करना चाहो तो कर सकते हो। तो गाइस, आपको बता दूं कि गुवाहाटी या तो फिर आप कोई दूसरा शहर जा रहे हो तो ये सारे जो है सर्विस आप लोगों को मिल जाते हैं, ओला, उबेर और भी काफ़ी सारे सर्विसेस है जिसका नाम मुझे नहीं पता। हाँ गाइस, आप लोगों को बता दूं कि वीडियो क्वालिटी जो है आप लोगों को उतना क्लियर नहीं आता होगा, फिर भी मैं आप लोगों को जो है कंटेंट अच्छा देने का कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज इधर जो है अंधेरा हो चुका है और मेरे पास लाइट उठ का कोई सुविधा नहीं है। एंड जो है रात में जो है ब्लॉगिंग का मतलब ऐसा ही होता है, बिकॉज अभी रात में जा रहे थोड़े यार बनाना ही पड़ेगा मुझे। एंड आप लोगों को दिखाना है यार एक अच्छा कॉन्टेंट बना के। तो अभी हम लोग चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ। आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि अगर आप इधर में आ रहे हो बाहर साइड में तो अपना जो है पानी बोतल, मास्क वगैरह लेके आना, क्योंकि जो है इधर में सारा लोग जो है सभी लोग जो है बिजनेस में ही लगे हुए हैं, या तो पानी हो या तो फिर मास्क हो। यहाँ पर आप अगर कहीं भी जा रहे हो, सपोज अगर आप उसे पानी ही मांगो तो आपको पानी नहीं, डायरेक्टली जो है आपको एक मिनरल वाटर का बोतल दे देगा और उससे जो है आपसे पैसा लिया जाएगा। बिकॉज आप सोच रहे होगे कि ना मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए देगा, लेकिन वो आपको डायरेक्टली जो है आपको सर्विस दे देगा, यानी जो है 1 ₹20 का बोतल आपको हाथ में थमा देगा। एंड हाँ, अगर आप जो है जू में जा रहे हो तो जू में आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि वहाँ पर जो है मास्क वगैरह आप लेके जाना, बिकॉज वहाँ पर जो है आप लोगों को पहले ही थोड़ा सा जो है डरा दिया जाएगा कि आप मास्क पहन लो, अंदर जाना मना है। तो वहाँ पर आप लोगों को बाई करना ही पड़ेगा उस बंदे से। तो आप इससे अच्छा कि अगर आप इधर आ रहे हो तो आप जो है मास्क वगैरह लेके जाओ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर सीखने के लिए मिला एंड जानने के लिए मिला, तो यार मैं सोचा कि आप लोगों को भी शेयर कर दिया जाए। तो फाइनली गाइस, हम लोग जो है सिटी सेंटर के पास पहुंच चुके हैं और ये रहा सिटी सेंटर और हम अभी इसके अंदर जाने वाले हैं। तो चलो यार फटाफट से अंदर की तरफ चलते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम सिटी सेंटर के अंदर एंटर करते तो हमें जो है कुछ इस तरह का जो है नज़ारा देखने को मिल जाता है। एंड आगे आप लोगों को एक लव का सिंबल भी देखने को मिल रहा होगा। तो यार काफ़ी अच्छा से इसे जो है डेकोरेट किया गया है। एंड अभी हम इसके ऊपर जाएंगे, तो चलो यार फटाफट से चलते हैं ऊपर की तरफ। सो गाइस, अगर हम ऊपर से इसका व्यू देखें तो यार काफ़ी अमेजिंग व्यू हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसका डेकोरेशन का तो यार डेकोरेट काफ़ी अच्छा से किया गया है, बिकॉज यहाँ पर जो है छोटा छोटा जो है हर्ट का सिंबल भी हमें काफ़ी अट्रैक्ट करता है। तो यार चलो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ हमें गेम वाले लोकेशन पर जाना है। तो यार फटाफट से चलो
चलते हैं। कैसा लगा आपको सिटी सेंटर ए मॉल? तो अभी हम लोग जाने वाले हैं सबसे ऊपर जहाँ गेम होता है, तो अभी हम चलते हैं सबसे पहले ऊपर। चलो यार फटाफट हम लिफ्ट के सहायता से जो है आ चुके हैं ऊपर यानी फोर्थ फ्लोर पर, एंड चलते हैं अभी गेम वाले जगह पे। सो गाइस अभी हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ से जो है इस मॉल का व्यू देखने में काफ़ी अमेजिंग लग रहा है। एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है यार कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी हम आ चुके हैं पीवीआर सिनेमा के अंदर। हालांकि अभी हम अंदर नहीं गया हूं, मतलब बाहर बाहर ही घूम कर जो है वापस से मैं बाहर ही चला जाऊंगा। तो अभी हम इसके अंदर जो है एक चक्कर लगा लेता हूं। तो चलो यार आप लोगों को भी मैं लेके चलता हूं पीवीआर सिनेमा के अंदर। अंदर मतलब अंदर नहीं। तो चलो यार अभी हम चलते हैं आगे की तरफ एंड देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। फाइनली गाइस हम टाइम जोन के पास पहुंच गए हैं और अब हम इसके अंदर जाएंगे। टाइम जोन के अंदर इसके अंदर हमें गेम खेलने को मिलेगा, तो इसे हम पुश करेंगे और इसके हम अंदर जाएंगे। और ये रहा काउंटर, तो यहाँ पर जो है मिनिमम जो लोड है वो 500 का है एंड जो है उसके बाद जो है 1000, उसके बाद जो है 1500 का लोड है। एंड ये रहा गेम, तो यहाँ पर जो है सबका नाम रिकॉर्डिंग भाई आ जाता है। एंड जो है ये आप लोग थोड़ा आप लोगों को जो है यहाँ का नज़ारा हम दिखा देता हूँ किस तरह से जो है बॉल मारा जाता है। तो यहाँ पर देख लो ये रहा, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर गेम वगैरह खेल सकते हो। अभी जो है हम लोग सिटी सेंटर का वहाँ से जो है निकल चुके हैं एंड अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे। एंड आप लोगों को जो भी चीज़ दिखाया सारा चीज़ यूनिक है। तो यहाँ से जो है मैं मिठाई लेने वाला हूँ, कौन सा लूँ यार कंफ्यूजन है। तो यार मुझे लग रहा है ये वाला सही रहेगा। पिछा भैया 10 पीस। ये रहा मेरा मिठाई पैक हो चुका है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये है गुवाहाटी का ट्रैफिक जो कि पूरा का पूरा जाम हो रखा है जैसा कि आप देख रहे हो। फाइनली गाइस जो अभी हम बस में बैठने वाले हैं खाना पारा का। भैया खाना पारा का बस किधर मिलेगा? यही है। अभी गाइस जो है मैं एक नंबर यानी 9th mile पहुंच चुका हूं एंड अभी मैं यहीं पर जो है वीडियो को एंड करूंगा। एंड आप लोगों को बता दूं अंदर जो जो सिटी सेंटर का जो अंदर था 1000 रुपया का मतलब एक वाउचर होता है वो खरीदना पड़ता है। तो उस लोगों ने बोला छोड़ो यार रहने दो, अगली बार नेक्स्ट टाइम आएंगे तो देख लेंगे। तो हम लोगों ने रहने दिया एंड वापस से अपने अब हम घर जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना एंड शेयर करके जरूर बताना आप लोगों का वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।